दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। गुनोर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद ककरहट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा जमकर अनियमितताएं की जा रही है। इसे लेकर जिला कांग्रेस के नेताओं ने हितग्राहियों को लेकर नगर परिषद ककरहट्टी के सामने विरोध प्रदर्शन किया व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने घेराव कर धरना प्रदर्शन दिया। महित जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन गरीबों के साथ जल्द न्याय नहीं किया तो जिला मुख्यालय में उग्र प्रदर्शन होगा। के सामने पूरा मामला प्रधानमंत्री आवास को लेकर है। सबसे पहला मामला ये है कि प्रधानमंत्री आवास के जो 210 कलेक्टर महोदय द्वारा DPR जो स्वीकृत किए गए थे, उसमें से 69 ऐसे लोगों को जो बिल्कुल पूरी तरह से गरीब हरिजन आदिवासी लोग हैं, जिनके पास झुग्गी झोपड़ी और कच्चा मकान है, उनको अपात्र करते हुए उनको सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि वो सूची कलेक्टर द्वारा मैंने स्वीकृत थी। यहाँ मनमानी तरीके से नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा उसको 69 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। पहला मुद्दा ये। दूसरी चीज ये है कि जो आवास स्वीकृत है उनको किस्त डालने के नाम से जो यहाँ के कर्मचारियों द्वारा पैसे द्वारा कुछ लोगों ने कहा पैसे लिए भी गए हैं और अभी तक किस्त नहीं डाली गई है। तीन चार चार साल से मकान तैयार है लेकिन तीसरी किस्त नहीं डाली गई, उसमें डिमांड की जा रही है पैसे की। तमाम पूरा जन आक्रोश आपने देखा होगा। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम 15 दिन का हमने दिया है, मैंने ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित विभाग के मंडलम के सहयोग से हमने ज्ञापन दिया है। तहसीलदार प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, प्रशासन के उनको ज्ञापन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर यदि हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया, उसमें शिविर लगाकर समस्या का निदान नहीं किया गया, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।